सर, पहले तो मुझे कल के व्यवहार पे बहुत बुरा लग रहा है। जब भावी अध्यापक के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आगे का भविष्य भारत का कैसा होगा? जिस देश में नीम बनाने वाले के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसका भविष्य मुझे नहीं पता आगे कैसा जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद थी सर, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी हमें लगा था कि वो हमें देंगे, हमें ज्वाइनिंग देंगे, और हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जो हमने हमारे हक का नहीं है। हमने कॉम्पिटिशन फाइट किया, यहाँ तक पहुँचे, और उसके बाद मेरिट में आने के बाद जो जायज़ है उसी की मांग की जा रही है। पिछले 6 महीनों से हम हर रोज़ आ रहे हैं, घर परिवार मानसिक उत्पीड़न इतना ज़्यादा हो रहा है, बच्चे को छोड़ के आना इतनी इतनी दूर, कमाई कुछ है नहीं सर, जो है वो भी लग जा रहा है हर रोज़ आने में। आपको भी पता है जयपुर आना आसान नहीं है, बार बार आ रहे हैं, जहाँ जाना पड़ता है हर जगह अपनी मांग रख के देख ली, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। और वही मांगा जा रहा है जो जायज़ है, जो हमारा हक है, वही जो हमें वादा किया गया था कि आपको नौकरियां दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी, फॉर्म भरवाए गए, कंपटीशन फाइट हुआ, रिजल्ट्स आए, सब कुछ आया, फाइनल स्टेप तक हमें लेके आए, एंड अब हमें वैसे ही छोड़ दिया, कोई हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहा, कोई हमारी मांग सुनना ही नहीं चाहता। ये भी है कि जब सरकार ने फॉर्म भरवाया आपसे, यानी जो जिस पद पर नियुक्ति होनी थी तो वो जब एलिजिबल थी, सब कुछ एलिजिबल था, फिर ये आखिर में आकर इस तरह से क्यों मतलब किया गया? क्या ऐसा है कि कांग्रेस सरकार में जो भर्ती हुई थी उसको बीजेपी कह रही फॉरवर्ड नहीं करना चाहती? नहीं सर, हमें जो कारण बताया जा रहा है सर, हम सेम एडवर्टीजमेंट था, सेम एलिजिबिलिटी मांगी गई थी, 2016 में भी ज्वाइनिंग मिली इस पे बेस पे, 2018 में भी ज्वाइनिंग मिली है, और अब हमें ये बोला जा रहा है कि आपकी डिग्री जायज़ नहीं है। कल हमने यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा, यूनिवर्सिटी ने हमें ये कह के टाल दिया कि आपको पढ़ाई सोच के करनी चाहिए। आप सोचिए, किसी यूनिवर्सिटी का वीसी अगर अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री की क्रेडिबिलिटी पे खुद क्वेश्चन उठा रहा है तो युवा का कहाँ भविष्य ठहर रहा है? यानी मतलब जो कोर्स या जो डिग्री यूनिवर्सिटी दे रहा है उस पे सवाल उठाए वीसी ने, क्योंकि कल आप वार्ता के लिए गए? कल हम वार्ता के लिए गए तो वीसी ने मुझे ये बोला कि आपको कोर्स सोच समझ के करना चाहिए था, और आरपीएससी हमसे जवाब मांगेगा तो हम आरपीएससी को जवाब, सर आप भी जानते हैं प्रैक्टिकली अगर हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का प्रोसेस ऐसे नहीं है कि आज मैं गई और कल की कल फैसला हो जाएगा। और आप सोचिए, एक बेरोज़गार इंसान के लिए एक एक दिन निकालना मुश्किल है, और वो कह रहे हैं कि आप लंबे सालों साल के प्रोसेस में फंस जाइए जिसका हमें भविष्य भी नहीं पता कि क्या रिजल्ट क्या आने वाला है। कर सर, मैं हनुमानगढ़ से हूँ, उमेश कुमार है। मैं 2018 से लगभग तैयारी कर रहा हूँ, एडिशनल किया था मैंने 2020 से, मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी 2021 में। पहले जो पेपर हुआ वो मेरा रद्द हो गया, उसमें मेरे 130 नंबर थे, पेपर रद्द हो गया। उसके बाद फिर मैं डिप्रेशन में आ गया, दोबारा तैयारी फिर स्टार्ट की। अब की बार मेरे अच्छे नंबर आए, अच्छी रैंक है पंजाबी में, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। यही सेम मतलब मैटर चल रहा था, 2016 में चल रहा था, 2018 में चल रहा था, 2018 के बाद जो वेटिंग आई उसमें भी चल रहा था, उसमें भी ज्वाइनिंग नहीं है हुई है, उसमें ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब हमारे को रोक दिया, हमारे कोई अलग डिग्री तो की नहीं है, वो सेम डिग्री है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से 16 में ज्वाइनिंग हुई है, 18 में ज्वाइनिंग हुई है, 21 में है, उसी तरीके से हमारी को भी ज्वाइनिंग दी जाए। थैंक यू सर। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं आपके न्यूज चैनल द नगरी मीडिया के माध्यम से मैं भजनलाल सरकार को ये सूचित करना चाह रहा हूँ कि हम रीट लेवल द्वितीय जिसमें हमने एग्ज़ाम दिया, हम पास हुए हैं, मेन कट ऑफ में आए हैं, एडिशनल विशेष होने के लिए हमारे को रोका जा रहा है। तो एडिशनल का मैटर ये है, हमने 3 साल बीए किया, बीए करने के बाद में एक और सब्जेक्ट ऐड करके हमने एडिशनल से डिग्री ली है, उसके बाद हमारे को उसमें प्रोविजनल कर दिया जाता है और नियुक्ति से बाहर रखा जाता है। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारे को नियुक्ति के अंदर किया जाए। मैं भूतपूर्व सैनिक जो शिक्षा ग्रहण करने में असक्षम होते हैं, दूर दराज पे कहीं बैठे बैठे मैंने अध्ययन किया, इतने वर्षों से तैयारी की, ये रीट की भर्ती 2018 से चल रही है, 2021 में रीट लेवल द्वितीय को रद्द कर दिया गया, और अभी जब वापस एग्ज़ाम हुआ तो उसमें हमने रीट की पात्रता पहले पास की, उसके बाद में हमने मेन एग्ज़ाम दिया है। पहले 2016-18 में इन्होंने नियुक्ति दी है, 21 में नियुक्ति दी है, अभी हमारी इस नियुक्ति को लेकर ये पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो आपके चैनल माध्यम से मेरी यही गुजारिश है कि सरकार हमारी जल्दी से जल्दी नियुक्ति करे। धन्यवाद।